और तुम पे तो काजल लगवा दी ना, शर्म से भी अगर कोई ऊपर लेवल का कोई वर्ड हो ना तो मैं उस वर्ड को यूज करना पसंद करूंगा। व्यक्ति हो तुम, खेसारी लाल यादव के बेटी पे उंगली उठा रही हो, बेटा पे उंगली उठा रहे हो, उनकी वाइफ पे उंगली उठा रही हो कि सब तुम रिलेशनशिप में थी, तो क्या तुमको पता नहीं था कि खेसारी लाल यादव शादीशुदा है? तो क्यों तुम खेसारी लाल यादव सम्मान की बात करती हो ना? एक महिला दूसरे महिला के घर तोड़ने की कोशिश की तुम, और तुम महिला की बात करती हो तुम? और ऐसे करके रखे थे, बच्चा थी क्या, दूध पी रही थी, नेपुल से दूध पी रही थी क्या तुम, कि चुस्ती से पी रही थी, कि तुमको कोई समझा ऐसा चाहिए था, नाम चाहिए था भोजपुरी इंडस्ट्री में, तो खेसारी लाल यादव के साथ हर चीज करो वो? हाँ तुमको मतलब लग रहा है कि हमको यूज किया गया? वाह रे, शादी नहीं किया तो तुमको यूज कर लिया ना, और तुमसे शादी करे तो बहुत अच्छा धर्मा तो हो जाता खेसारी लाल यादव। याद रखो जितना खेसारी लाल यादव को तुम नीचे गिराओगे ना, हम सब खेसारी वादो, खेसारी आर्मी और खेसारी फैन पुरजोर तरीके से भाई के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े रहेंगे और आजीवन खड़े रहेंगे। तुम जितना नीचे गिराओगे उतना उसको हम ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो व्यक्ति का वही संस्कार सबसे बड़ा है। मित्रों में आप सबका अपना मिस ऑफ हिंदुस्तान, उम्मीद होगा मित्रों आप लोग अच्छे होंगे। मित्र काजल रघवानी, तुम जिस तरह से आरोप लगा रही हो और जिस तरह से तुम भौकाल बना रही हो कि पूरा तमाम जितने भी महिला और जितना भी मतलब लड़की है, जितने भी एक्ट्रेस है, सब लोग तुमको सपोर्ट करे, कल आई थी तुम्हारे बातों को सुनकर ना दोगो और आई थी मुर्गी, कुछ बोलने वाली थी और बोली भी थी, लेकिन बहुत जल्द देखे ना कि उनका भी मैडम का दोनों का लाइव डिलीट हो गया था। और डिलीट क्या हो गया था भाई, डिलीट कर दिया गया था, कहीं ना कहीं उसको मालूम है भाई कि खेसारी लाल यादव के बारे में बोल रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ के बोले, नहीं तो जो हाल काजल रघवानी का भी हो रहा है तमाम सारे वैसे लोगों को होगा। कोई हलवा थोड़े भाई खेसारी लाल यादव यार, तुम 10 साल 7 साल 5 साल 6 साल किसी के साथ रह लो और उसके बाद आके फिर कुछ हो मुंह खोल के बोक दो, फिर आके तुम मुंह खोल के कुछ भी आके बोल दो, तो ऐसा थोड़ी होता है। जब तुमको किसी का संस्कार और किसी के बारे में कैरेक्टर तुमको अच्छा नहीं लग रहा था काजल रघवानी, तो तुमको एट ए टाइम तुमको आगे विरोध करना चाहिए था खेसारी लाल यादव को, तब हम लोग मां रघवानी जो बोल रही है वो सही बोल रही है। लेकिन मेरे भाई की तुम 7 साल यूज कर ली, उनका घर तोड़ने के लिए तुम पड़ी हुई थी, मेरा क्या मतलब घर तोड़ के क्या साबित करना चाहती थी तुम जी, मतलब हमारे जो भी भतीजा भतीजी है सबको तुम रोड पर लाना चाहती थी क्या? यही तुम्हारा संस्कार है। और तुम क्या बोल रही हो कि खेसारी लाल यादव के चंद पालतू टट्टू लोग है, कौन पालतू टट्टू है रे? कुछ भी बोलो ना काजल रघवानी, तो अपना मुंह और अपना हैसियत देख के बात क्या करोगे, तुम किसको बोल रही हो नहीं बोल रही हो? हम जो भी खेसारी वाद है ना भाई को दिल और जान से सपोर्ट करते हैं, क्योंकि खेसारी लाल यादव ना मेहनत का नाम है, ब्रांड है, वो किसी का चमचाई करके आगे नहीं बढ़ा है, किसी का तलवा चाट के नहीं बढ़ा है, किसी के साथ सो के नहीं बढ़ा है। ऐसा नहीं है जो तुम बोल रही हो, तुमको पहले आगे बोलती ना तो तुमको सारे लोग सपोर्ट करते हैं। और जो पवन सिंह के यूट्यूबर जो तुम लोग यार इतना उछल रहे हो ना, थोड़ा कम उछलो मेरे भाई, तुम्हारे भी भाई के ऊपर ब्लेम लगा था, अक्षा सिंह लगाई थी, तब कोई आगे नहीं बोल रहे थे, तब महिला के सम्मान तुम लोग को नहीं दिख रहा था कि अक्षा सिंह भी एक महिला है, एक सम्मानित फैमिली से है, तो उस दिन तो तुम लोग उसको ट्रोल कर रहे थे, बड़ा उंगली दिखा रहे थे। आज खेसारी लाल यादव पर 7 साल साथ में रहने वाली लड़की सब कुछ उनके साथ कर ली, उनका घर तोड़ने की कोशिश की, खेसारी लाल यादव अपना घर बचाने में कामयाब रहा क्योंकि अपना बेबी और बच्चा से वो व्यक्ति बहुत प्यार करता है, तो उस व्यक्ति को बारे में तुम लोग आके ट्रोल करना शुरू कर दिया, तुम लोग का शर्म नहीं लग रहा है? बड़े भाई पवन सिंह जी अगर आप सुन रहे थे, आपको भी हम बोल रहे हैं, आप अपने यूट्यूबर को समझाइए, नहीं तो यही सब जो है ना दोनों भाई में कंट्रोवर्सी क्रिएट करके रखे हुए है। आज जब भाई के ऊपर आप बोलते हैं कि मेरा छोटा भाई है, कैसा छोटा भाई है जी, आज जब छोटा भाई के ऊपर मतलब ब्लेम किया जा रहा है तो आपका सारा मतलब जो भी चंद यूट्यूबर है सब आगे भाई को ट्रोल कर रहा है, इस सबको बोलने का अधिकार था क्या? नहीं ना था। जबकि स्वयं अगर इस महिला को इस सम्मान की बात कर रहा है आपका जो भी यूट्यूबर, तो क्या अक्षरा सिंह महिला नहीं थी? थी ना महिला, तू के बारे में कोई क्यों नहीं आवाज उठाया भाई? उस समय अगर तुम महिला के बारे में अगर तुम सोच रहा था आवाज उठाता तो आज हम लोग भी तुम्हारा बात को अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन उस समय तो तुम अक्षरा सिंह को तुम लोग ट्रोल कर रहा था, तो एक ऐसा भाई महिला सम्मान रे, इसको बोलो महिला सम्मान बोलेंगे? किस महिला को सम्मान की बात कर रहे हो? ये पूरे महिला को मतलब बेइज्जती कर रही है कि न जाने कितनी लड़की और एक्ट्रेस मॉडल का खेसारी लाल यादव के मोबाइल में न्यूड फोटो है, तो क्या इस मोहतरमा का फोटो नहीं था? था ना जी, बहुत गुस्सा आ रहा है। अब अपने साथ साथ पूरे एक्ट्रेस को तुम बदनाम कर रही हो, और ये आई थी दो को मुर्गी कुछ आगे बोलने के लिए, क्वीन सालनी और एक क्या नाम था उसका, सपना चौहान, कुछ भी आगे बोल दे रहा है, पावर था तो काहे नहीं लाइव रहने दी, डिलीट क्यों कर दी तुम? 10 दिन पहले तुम ही लोग आके बोलती थी खेसारी लाल यादव मेरा भगवान है, आज मैं जो भी भोजपुरी इंडस्ट्री में हूं तो खेसारी लाल यादव के देन है, और आज 10 दिन के बाद खेसारी लाल यादव खराब हो गया,
मारे तुम लोग, मारे तुम लोग का सोच, और कैसा तुम लोग का सोच है ना, शर्म आती है तुम लोग के सोच पर। और तुम पे तो काजल लगवा दी ना, शर्म से भी अगर कोई ऊपर लेवल का कोई वर्ड हो ना तो मैं उस वर्ड को यूज करना पसंद करूंगा, क्योंकि नहीं कहीं ना तुम्हारे लिए वो वर्ड काम ही नहीं करता है। कैसा व्यक्ति हो तुम, खेसारी लाल यादव के बेटी पे उंगली उठा रही हो, बेटा पे उंगली उठा रहे हो, उनकी वाइफ पे उंगली उठा रही हो कि सब पैसा के लालची है। खेसारी लाल यादव का बेटा कितना जब तुम खेसारी लाल यादव के साथ थी, एसोसिएट थी, रिलेशनशिप में थी, तुम तो स्वयं बोल रही हो ना कि रिलेशनशिप में थे, तो जब तुम रिलेशनशिप में थी तो क्या तुमको पता नहीं था कि खेसारी लाल यादव शादीशुदा है? तो क्यों तुम खेसारी लाल यादव के साथ रिलेशन में गई? तुम महिला हो, तुमने जी महिला के सम्मान की बात करती हो ना, एक महिला दूसरे महिला के घर तोड़ने की कोशिश की तुम, और तुम महिला के बात करती हो। तुम ऐसे चंद यूट्यूबर ऐसे लोगों को सपोर्ट करने के लिए बात करते कि महिला के सम्मान में बात किया जाए। एक ऐसा महिला भाई जो एक महिला के स्वयं जो बेचारी गरीबी गृहस्थी में जो शादी की, जो अपने अच्छे फैमिली के साथ रह रही है, खेसारी लाल यादव उसको रेंज रोवर में घुमा रहा है, सारा आलीशान चीज दिए हुए, इतना सम्मान और प्रतिष्ठा दे रहा है, उस महिला की भी घर तोड़ने की कोशिश की ना, और क्या बोल रही है कि बल्कि हमको समझ भी नहीं आया, हमको मतलब फुसला के रखे थे, ये करके रखे थे, बच्चा थी क्या, दूध पी रही थी, नेपुल से दूध पी रही थी क्या तुम, ये चुस्ती से पी रही थी कि तुमको कोई समझा देगा तो समझ जाओगी? ये बोलने में शर्म लगता है कि हमको स्टार्टअप चाहिए था, पैसा चाहिए था, नाम चाहिए था भोजपुरी इंडस्ट्री में, तो खेसारी लाल यादव के साथ हर चीज करो वो, आज तुमको मतलब लग रहा है कि हमको यूज किया गया, वाह रे काम निकल गया तो यूज किया गया, तुमसे शादी नहीं किया तो तुमको यूज कर लिया ना, और तुमसे शादी कर ले तो बहुत अच्छा धर्मात्मा हो जाता खेसारी लाल यादव, आज हैवान हो गया वो। याद रखो जितना खेसारी लाल यादव को तुम नीचे गिराओगे ना, हम सब खेसारी वादो, खेसारी आर्मी और खेसारी फैन पुरजोर तरीके से भाई के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े रहेंगे और आजीवन खड़े रहेंगे। तुम लोग जितना नीचे गिराओगे उतना उसको हम लोग ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो व्यक्ति का वही संस्कार सबसे बड़ा है। वो व्यक्ति जिस स्थिति लाल यादव जिस स्थिति में अपने पत्नी को स्वीकारा ना, आज उस स्थिति को साथ ही लेकर चल रहा है और अपने बच्चे और परिवार को साथ में रहकर ना पूरे दुनिया और तमाम चीजों के उन लोगों के कर रहा है। किसका भी जो है रेंज रोवर पर घूम रहा हो, तुम बोल रहे यूज कर रहा था, पैसा के लालची था, छोटा छोटा बच्चा को तुम ब्लेम कर रहे हो कि पैसा के लालची था, उसको पत्नी को पति नहीं चाहिए था, पैसा चाहिए था। अरे ये कहो ना काजल लगवानी, उसका पति तुमको चाहिए था, लेकिन खेसारी लाल यादव इतना संस्कारहीन है कि अपना पत्नी और बीवी बच्चा को छोड़कर तुरंत शादी कर लेगा, तुरंत महाइये कौन चीज है? और जो सुन लो कान खोल के, जो तुम लोग बोलते हो ना कि महिला को सम्मान करो, महिला को हम लोग सम्मान करेंगे, ठीका ले ले हैं क्या कि मेरा भाई को आकर कोई महिला अपशब्द बोलेगी, अपशब्द बोलेगी और उसको हम लोग सम्मान करेंगे? सम्मानित आदमी को सम्मान किया जाता है, जिसका कोई सम्मान ही नहीं है उसको हम लोग सम्मान करेंगे क्या? कभी नहीं करेंगे। जितने भी खेसारी आर्मी और खेसारी फैन हो ना, सभी लोग बाइकआउट करो ऐसे लड़की को, और मैं भाई से खुलकर बोलूंगा प्लीज भाई ऐसे लड़की को आप सपोर्ट मत करो, नहीं तो कोई किसी को सपोर्ट नहीं करेगा। भाई सपोर्ट कर रहा है, तुम लोग सब कुछ अचीव कर ले रही हो, बंगला गाड़ी मर्सिडीज घंटा कोची कोची, और आज खेसारी लाल यादव खराब हो गया, न्यूड फोटो रखता है, लड़की की वीडियो कॉल पर बात करती है और स्क्रीन शॉट मारते आते क्या है तो क्या वो लड़की को शर्म नहीं आ रहा था कि क्यों किसी के सामने हम न्यूड हो रहे हैं? उसको तो शर्म आना चाहिए ना, पुरुष के सामने हम न्यूड हो रहे हैं तो उसको शर्म कहा गया था भाई, तो उसको स्टार्डम चाहिए ना, स्टार्डम चाहिए, सो जाओ किसी के साथ, जब सोना ही है तो फिर किसी पर आरोप क्यों लगाना भाई? बिल्कुल ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जितने भी खेसारी आर्मी खेसारी फैन आप लोग एक्टिव रहे भाई, बहुत बड़ा लोबी चल रहा है, षड्यंत्र चल रहा है भाई को फंसाने के लिए, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, राजा राज करता है। मेरा भाई देखो आज भी लाए हुए पूरा तमाम हर जगह वो शूटिंग में व्यस्त है, अब बहुत लोग विवाद करने में व्यस्त है, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तुम लोग जितना नीचा गिराओगे खेसारी लाल यादव उतना ऊपर उठेगा, और आजीवन उठ रहा है, देखो ना रे भाईसी चढ़ते चढ़ते डिफेंडर के सवारी कर रहा है, घमंड नहीं करता मेरा भाई डिफेंडर के बारे में, लेकिन जो संघर्ष करता है उस संघर्ष के बारे में बोलना चाहिए कि एक भाईसी पर सवारी करने वाला व्यक्ति डिफेंडर पर सवारी कर रहा है, दैट इज अचीवमेंट, और अपने बच्चों के साथ बीबी के साथ खुश है, तो इसको कहते हैं खेसारी लाल का संघर्ष, इसको कहते हैं खेसारी लाल यादव का बड़प्पन, प्यार अपने परिवार और बच्चों के प्रति। इसलिए कुछ भी बोलने से पहले आप लोग मुंह ना थोड़ा सा बंद करके रखिए, नहीं तो चोच अगर खोल रही है तो कुछ सोच समझ के खोलिए, अन्यथा मत खोलिए, क्योंकि भाई का अपमान और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोई भोजपुरी इंडस्ट्री में भाई के साथ खड़ा नहीं है अभी डेट में, सारे इंडस्ट्री मिलकर भोजपुरी इंडस्ट्री के जो भी आदमी है सब भाई को नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है। आप जितने भी खेसारी आदमी खेसारी फैन है ना, इस वीडियो को दबा के शेयर कीजिए, ताकि तमाम वीडियो का लिंक आप लोग पास आते रहेगा, और भाई के बारे में बात करूंगा और सिर्फ खेसारी आदमी और खेसारी फैन के बारे में बात करूंगा, प्लीज दबा के आप लोग शेयर कीजिए, और भाई को कभी अकेले नहीं छोड़ूंगा और उनको अकेले होने के महसूस भी नहीं होने दूंगा। यार तुम लोग गिराओ जितना गिराना है, हम लोग हैं उठाने के लिए भाई को, भाई को समाज जानता है, पूरा आदमी जानता है कि खेसारी लाल यादव क्या और नहीं है।
धन्यवाद मित्रों।